दीनदयाल जयंती के उपलक्ष में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया स्वास्थ्य शिविर, किया गया फल वितरण। भारतीय जनता पार्टी के पथ प्रदर्शक पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मंडल बरही द्वारा वार्ड नंबर 12 छिंदिया टोला के आंगनवाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य सेवा शिविर प्रभारी डॉक्टर जगदीश गुप्ता एवं श्याम सुंदर के नेतृत्व में शिविर का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र में पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सेवा स्वास्थ्य शिविर के प्रमुख रूप बहादुर श्रीवास्तव के साथ मंडल अध्यक्ष केशव यादव, महामंत्री पीडी ताम्रकार, उपाध्यक्ष रामकृष्ण पटेल, संतोष द्विवेदी, कोषाध्यक्ष रघुनाथ गुप्ता, सुरेश पंडा, सरमन सोनी, कामता सोनी, इकबाल पवार, रजनीश नामदेव, अमरजीत ताम्रकार, कार्यालय मंत्री कैलाश कचेर, दीपक प्रजापति, डॉक्टर जगदीश गुप्ता सहित भाजपा कार्यकर्ता बंधु एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य सेवा शिविर कार्यक्रम में 80 मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया एवं सभी मरीजों को जांच उपरांत दवा के साथ फल वितरण भी किया गया एवं कोरोना से बचने के उपाय भी बताए गए। स्वास्थ्य शिविर उपरांत पास के हनुमान मंदिर में सभी लोगों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इसके पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरही में सभी मरीजों को फल वितरण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रथम पंक्ति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी फल वितरण कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस दौरान बरही भाजपा मंडल अध्यक्ष केशव यादव, मंडल महामंत्री पीडी ताम्रकार, कैलाश कचेर, रजनीश नामदेव सहित अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। कटनी बरही से नीरज कुमार तिवारी की रिपोर्ट। भारत माता की। आज 25 सितंबर को बरही नगर पंचायत भाजपा मंडल बरही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती को धूमधाम के साथ बरही के वार्ड नंबर 12, 13, 14 में स्वास्थ्य शिविर लगा के लगभग 50 मरीजों का पंजीयन किया गया एवं प्राथमिक उपचार दिया गया। तत्पश्चात भाजपा मंडल बरही के कार्यकर्ताओं द्वारा फल वितरण किया गया। इसके बाद एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर ही लगातार छिंदिया टोला के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया और हनुमान चालीसा पाठ के तत्पश्चात बरही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को भाजपा मंडल बरही के कार्यकर्ताओं द्वारा फल वितरण किया गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को उनके बताए मार्गानुसार एकात्म मानववाद को चरितार्थ करते हुए कुपोषित बच्चों को भी फल वितरण किया गया और इस तरह से उनकी जयंती को मनाया गया।